हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एज वी नो दैट फूड इज द ओनली सोर्स बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म गेन एनर्जी. It is the source of energy. The food which is eaten by the other organism, this food is help into growth of the body as well as provide the energy to the body, because it is the main source of energy. The food is the major source of energy. Helps in the growth of the body as well as repairs the tissues or cell. ये टिश्यू और जो सेल फंक्शन करते वाइल फंक्शनिंग दे बिकम्स डैमेज, उनको रिपेयर कर रहे हैं, काम भी करते, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है. टिश्यू एंड सेल विच डैमेज ड्यूरिंग फंक्शनिंग, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन एज वेल एज मिनरल्स साल्ट जिसको बोलते हैं एंड वॉटर. द फूड कंटेन द मेन सोर्स द फूड इज द मेन सोर्स फूड इज द main source of carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals and salt. As you know that water is also source of energy, because this water helps in digestion of food, and lack of water the man will suffering from the dehydration. The water also plays an important role in digestion. डाइजेशन कह सकते हैं, इन मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस. इन लैक ऑफ वाटर द पर्सन विल सफर ऑफ डिहाइड्रेशन. अब उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जैसे न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है और लिपिड है, ये डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जिस फॉर्म में होते हैं उसको हम सीधा डायरेक्टली पचा नहीं सकते, इसको पचाने के लिए कहते हैं अदर फॉर्म में चेंज करना पड़ता है. न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एंड लिपिड आर नॉट यूटिलाइज बाय द बॉडी इन ओरिजिनल फॉर्म
यानी जिस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है और लिपिड है, ये जिस फॉर्म में बनते हैं उसी फॉर्म में इसको यूटिलाइजेशन बॉडी के द्वारा नहीं किया जाता। क्यों? इनको ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। सो द बॉडी these substances, these means nucleic acid, protein and lipid, these substances are converted in simpler form, yeah, simpler substances, means these are the complex substances. Nucleic acid, protein and lipid, both these substances are not directly digested by the body in original form. So there is need to change to these complex substances into simpler. And the process in which complex substance is converted into simpler substances, that is called digestion. Thus, the process of converting complex substance in simpler is called digestion. Clear? Now the food ke constituents hain, ये कंस्टिट्यूएंट्स दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ या कंपोनेंट ऑफ फूड टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फूड, टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक and inorganic. Organic, the substance or compound in which carbon is present, वो compound जिसके अंदर carbon contained होते हैं, वो compound जिसमें carbon होती है, उनको कहते हैं organic, और without carbon तो उसको क्या कहते हैं? Inorganic. The compounds या component in which कार्बन प्रेजेंट, दोज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट ऑल्सो कंटेन द कार्बोहाइड्रेट, बट दीज आर द मेन सोर्स in which carbon contain the organic compounds. And inorganic compounds, the components of compounds in which carbon is not present, the component in which no carbon present, those components are called inorganic components. For example, minerals and water. Clear? अब हमारे जो components है, जैसे carbohydrate है, vitamins है, protein है, lipid है, water है, mineral है, fat है, ये components हमारे body को इनकी requirement किस base पे, कितने level पे होती है, कोई excess amount में चाहिए, कोई less amount में चाहिए, क्यों? जिनके कारण से हीट एनर्जी बनती है वो हमें एक्सेस अमाउंट में चाहिए, उनको क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलेक्यूल्स। जिस रिक्वायरमेंट की, जिस कंपोनेंट्स की एक्सेस अमाउंट में मतलब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी जरूरत बॉडी को ज्यादा होती है उसको बोलते हैं मैक्रो, और जिनकी लेस अमाउंट में जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। मैक्रोमोलेक्यूल्स
required for the heat and energy, yeah, heat energy and at large scale to the body. Those components are called macromolecules, macro components, bio macro components. For example, carbohydrate. Protein. And the bio macro molecules which are not provide more amount of heat energy and not required at large scale, those are required at the trace level. Trace means less level के ऊपर, कम मात्रा में इनको चाहिए. ये नहीं कि नहीं चाहिए, चाहिए बॉडी को, लेकिन less amount में चाहिए और ज़्यादा energy वगैरह produce नहीं करते. उनको क्या बोलते हैं? Micro molecules, bio micro molecules. The components which are not required for heat energy, yeah, which are not provide the heat energy to the body and they are required by the body in less amount, trace amount, those are called micromolecules. For example, minerals and vitamins. इसमें आप करेंगे minerals, vitamins. As well as water भी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं. वाटर की बताया कि वाटर की जिस स्क्रेसिटी बॉडी में हो जाती है तो कौन सी कंडीशन आती है? डिहाइड्रेशन हो जाती है. दीज आर द मेन कॉम्पोनेंट, दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेशन. अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट पाथवेज कंबाइंड एंड फॉर्म एड एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट पार्ट इज digestive system. The different parts of the body which collectively help in digesting the food that is called digestive system. It includes mouth anterior part, जो elementary canal का होता है. It contains कह सकते हैं elementary canal, which includes, it contains elementary canal. Which includes, यानी एलिमेंट्री कैनल के अंदर क्या हो सकता है? माउथ से स्टार्ट होती है, एंटीरियर पार्ट माउथ से स्टार्ट होती है एंड थ्रू आउट बॉडी से करते हैं तो वो पोस्टीरियर पार्ट एनस. इट इंक्लूड्स माउथ, कौन सा? एंटीरियर. उसके बाद एसोफेगस, स्टोमेक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन. और
the posterior part anus. Clear? These are the part which help in the digesting of the food, so it makes the digestive system. After that, you have to draw the diagram in your fair notebook from your NCERT biology book. Then we will discuss about all of these parts in the next.